सो हे मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे। तो यार काफ़ी टाइम हो गया कि मैंने कोई भी स्पीकर रिव्यू नहीं किया एंड ना ही अनबॉक्स किया। तो आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक लेटेस्ट स्पीकर लेके आया हूं, डोजो PA1, जो कि एक पोर्टेबल स्पीकर होने वाला है। एंड आज इसकी मैं अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आप सभी को देने वाला हूं। तो उस चीज के लिए आप सभी को वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। फ्रंट में हमें हमारे स्पीकर की पिक्चर देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पर टोजो की ब्रांडिंग PA1। पीछे की तरफ आप सभी को यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस में आपको स्पेसिफिकेशन देखने के लिए मिल जाती है। बेसिकली जो यार ये ब्रांड है टोजो, ये मलेशिया का ब्रांड है। फटाफट से कर लेते हैं आप इसकी हम अनबॉक्सिंग। सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है कुशनिंग, जो कि हमारे स्पीकर को डैमेज होने से बचाने के लिए दी गई है। तो काफी अच्छा बॉक्स पैकेजिंग हमें देखने के लिए मिली। एंड सबसे पहले हमें देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट। एंड यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं हमारा स्पीकर, जिसको अभी साइड रखते हैं। यहाँ पर देखने के लिए मिलती है हमें एक टाइप सी केबल, जो कि हमारे स्पीकर को चार्ज करने के लिए दी गई है। एंड क्वालिटी इसकी काफ़ी डिसेंट है। एंड यहाँ पर दे रखा है हमें एक स्ट्रैप, जिससे हम अपने स्पीकर को कैरी कर सकते हैं। एंड बॉक्स में हमें और कुछ देखने के लिए नहीं मिलता है। तो ये रहा हमारा टोजो का स्पीकर। ओवरऑल देखा जाए तो प्लास्टिक बिल्ड में आता है एंड रबराइज मटेरियल का इसमें यूज किया गया है, जिससे कि काफ़ी ये हाथ में सॉफ्ट फील करता है। फ्रंट पार्ट में फैब्रिक मटेरियल का यूज किया गया है एंड साथ ही साथ टोजो की ब्रांडिंग हमें सेंटर पर देखने के लिए मिल जाती है। टॉप पार्ट में हमें इसके सभी कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, पावर ऑन ऑफ, CWS, प्ले एंड पॉज, वॉल्यूम डाउन, वॉल्यूम अप एंड इक्वलाइजर मोड। बॉटम पार्ट में हमें इसका बेस रेडिएटर देखने के लिए मिलता है एंड यहाँ पर चार्ज स्टैंड दिए गए हैं। साइड में हमें यहाँ पर इसका चार्जिंग पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है। राइट साइड में आप यहाँ पर इसके स्ट्रैप को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं आप कुछ इसके स्पेक्स के बारे में। तो यार बेसिकली जो ये स्पीकर है हमारा 20 वॉट के RMS के साथ आता है एंड इसमें दो बेस रेडिएटर दिए गए हैं, एक फ्रंट पार्ट में एक बैक पार्ट में। एंड साथ ही साथ हमें इसमें लॉन्ग बैटरी देखने के लिए मिल जाती है एंड कंपनी क्लेम करती है कि आप इसको सिंगल चार्ज में 12 आवर तक प्ले कर सकते हैं। एंड जो इसमें बैटरी दी गई है 4000 mAh की दी गई है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें 5.0 का सपोर्ट है एंड 10 मीटर ब्लूटूथ रेंज है। एंड साथ ही साथ हमें इसमें एक ऐप का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाता है एंड IPX7 की रेटिंग हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यार टोटली वाटर प्रूफ है। एंड अब कर लेते हैं इसका साउंड टेस्ट। Broken alone, I feel the rain crashing down. All around this empty town, I'm searching for the lost and found. But you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air, like a blazing flare. Just stay, cause the flames won't burn us. I thought you were the one for me. That's why I gave you everything, held you close by the stormy seas. Oh, you meant the world to me. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight. We have the world in our side, and I know together we'll be right. Can you see forever we will go? Around the clock, now all we need is right here in front of us. In front of us. So can we just stop? Oh,
सभी लोगों ने इसका साउंड टेस्ट तो देख लिया। पर्सनली अपने रिगार्डिंग मुझे इसका साउंड काफी ज्यादा अच्छा लगा एंड 20 वॉट के स्पीकर के हिसाब से काफी ये लाउड है एंड इसका जो बेस है वो भी काफी अच्छा है। तो फाइनली अब बात कर लेते हैं कुछ इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं प्रोज की। तो सबसे पहला जो मुझे इसका प्रोज लगा वो इसमें इनबिल्ट माइक का ऑप्शन हमें देखने के लिए मिल जाता है एंड IPX7 की रेटिंग हमें देखने के लिए मिलती है एंड एक लॉन्ग बैटरी हमें देखने के लिए मिल जाती है एंड जो इसमें बेस है काफी अच्छा देखने के लिए मिलता है एंड आवाज भी इसकी काफी लाउड है। अब बात करते हैं कुछ इसके कॉन्स के बारे में। कॉन्स तो मुझे इसमें फिलहाल कोई दिखा नहीं, बट जो इसमें कंपनी ने ब्लूटूथ वर्जन जो प्रोवाइड किया है 5.0, अगर वो कंपनी इसमें 5.3 या 5.2 प्रोवाइड करवाती तो ज्यादा अच्छा होता। तो ये रही आज की वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पे नए हो तो टेक्नो अम्मू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना एंड मैं टेक्नो अम्मू मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।